हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सब लोग चल रहे हैं बिजी किसी न किसी काम में, तो आज हमारा जो मेन काम है वो है सरसों वाला, कि सरसों का हमें तेल निकलवाना है, जिसके लिए मम्मी और दीपक दोनों बिजी रहेंगे। और मेरा ऑलमोस्ट किचन का काम हो गया है। अभी जो मेरा टू डू लिस्ट के मेन काम होने वाला था, आज शायद मेरा काम हो जाए। आज क्या काम करवाने जा रहे हो? उनकी लिस्ट में सबसे पहला काम था सरसों का। ओके, सरसों के कट्टे रख के आया हूँ मैं, ठीक है। मम्मी वहाँ जाएगी, फिर उसको पिड़वाएगी, फिर वो तेल लेके आएंगे वहाँ से इकट्ठा करके, उसके बाद फिर मम्मी को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे क्योंकि मम्मी की आँख की सर्जरी होनी है। लेकिन सर्जरी का भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी हमें डेट का थोड़ा इशू है। अभी सब अपने काम में लग गए, पापा ड्यूटी गए हैं, मम्मी तेल निकलवाने के लिए गई हुई है, और जलौक को मैंने नहला के यहाँ पे बिठा दिया खेलने के लिए। जलौक आराम से बैठ के यहाँ पर खेलती रहेगी, और इधर साइड में मैंने अपनी मशीन लगा रखी है। जब भी हमारा सारा काम हो जाएगा तो बस डॉक्टर के साइड से टाइम आना पेंडिंग है। जैसे ही टाइम का पता चल जाएगा हमें, तो हम उस टाइम चले जाएंगे मम्मी की सर्जरी करवाने के लिए। अभी मैं बना रही हूँ घी, बस फिर थोड़ी देर में शायद हम डॉक्टर के यहाँ चले जाएं। खाना पीना करने के बाद अराउंड 2 या फिर 2:30 के आसपास फिर मम्मी तो चले जाएगी बेड रेस्ट पे। तो सोच रही हूँ तब तक जितने अच्छे काम है वो सारे कर लूँ। और अभी है लंच टाइम। लंच में हमारे पास बेसन के गट्टे की सब्जी, साथ में बैंगन का भरता, दही, लस्सी और सैलेड। एक काम, दो काम, तीन काम। ये बताओ कैमरा कहाँ रखा हुआ है? चलो आज आपका कैमरे वाला काम भी हो जाएगा। अब ये टेबल यहाँ से उठ के उधर जाएगी, हमारा सारा दिन ऐसे निकल जाता है चीजों को यहाँ से उठा के वहाँ रखने में। और साथ में किचन 7 o'clock होने वाले हैं, और अभी हमने डिनर कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा काम में लग गए हैं। अब देखते हैं फिर हमारा डिनर का क्या कुछ रहेगा। हमने अपना जो ये वाला स्पेस था पूरा खाली कर दिया। एक बाल्टी में शैम्पू डालकर इस साल का काम। आज किसी कारणवश मम्मी की जो आँख का प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया, तो अब देखते हैं वो कल होगा या परसों होगा। हम लेट हो गए डिनर के लिए, तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ पाव भाजी। ये यहाँ पर भाजी बन के रेडी हो गई है। लगभग टाइम हुआ है 6:10, और बस अभी आज हम जा रहे हैं मम्मी की आंखों की सर्जरी करवाने के लिए। आ गए हम डॉक्टर ऋषि आई इंस्टीट्यूट, और इन दादी पोती आगे आगे जा रही है दौड़ के। ये हैं डॉक्टर जोगिंदर, जिन्होंने हमारी हर क्वेरीज का अच्छे से रिप्लाई किया और हमें लेंस के बारे में और आई केयर के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दी। अभी हम बस बैठे हुए मम्मी की अपॉइंटमेंट आने का वेट कर रहे हैं, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज तो हो गई हैं। यहाँ पर जलप आई डॉक्टर बनी हुई है, हम बाहर ही हैं। अभी मम्मी चली गई है ओटी में, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आई होप सो सब कुछ अच्छा हो जाए। फाइनली हो गया है मम्मी की आंखों का ऑपरेशन, और जस्ट अभी बना रहे हैं खाना। अभी तक सब कुछ ठीक है, कल देखते हैं कल उनकी पट्टी खुलेगी, कल क्या कुछ रहेगा और कैसा रहेगा। एक और दूंगी। दुख हो रहा इसमें ना, वो हो रहा मेरा। और आपका डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, उन्होंने आशीर्वाद ही बहुत दे पाई। मस्ते रहे बेचारे। ओके फ्रेंड्स, मम्मी की आँख फाइनली बन चुकी है, जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।